हेलो दोस्तों, हिंदी एंड वाई टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र है तो आप व्हाट्सएप पर इमोजी का यूज़ कभी ना कभी ज़रूर करते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी व्हाट्सएप पर बोलने वाले इमोजी का यूज़ किया है? आपने नहीं किया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप व्हाट्सएप पर अपना खुद का बोलने वाला इमोजी क्रिएट करके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ इमोजीज दिखा देता हूँ जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं अपनी आवाज में। चल जुट्टी। Don't angry me. तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपना खुद का बोलने वाला इमोजी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इस ट्रिक को तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहां पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद आपको नीचे आना है और एक कमेंट कर देना है, व्हाट्सअप न्यू ट्रिक। इतना काम करके दोस्तों आप जरूर से मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। इसका नाम है टॉकिंग स्माइली। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहां पर आप आसानी से मिनटों में अपना खुद का बोलने वाला इमोजी क्रिएट करके व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर सकते हैं, मोबाइल की गैलरी में सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक इमोजी है। अब इसके लुक को आप पूरी तरह से चेंज करके नया इमोजी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आपको स्वाइप करने के लिए तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक ऊपर, एक बीच में और एक नीचे। ठीक है, मैं ऊपर स्वाइप करता हूं, आप देखेंगे इमोजी का ऊपर का हिस्सा चेंज हो जाएगा। अगर मैं बीच में स्वाइप करूंगा तो बीच का हिस्सा चेंज होगा, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। अगर स्वाइप करूंगा तो नीचे का हिस्सा चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आप इस इमोजी पर कुछ लिख भी सकते हैं, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम चेंज कर देते हैं। यहां से आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। अगर दोस्तों इसमें कुछ गड़बड़ हो चुकी है तो आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पहले की तरह हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर अपनी आवाज़ देने के लिए आपको इस लाल वाले बटन पर क्लिक करना है और जो भी आप बोलना चाहते हैं आपको बोलना है। उसके बाद स्टॉप करने के लिए आपको फिर से रेड बटन पर, इस लाल वाले बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक इमोजी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आसानी से मैंने इसे क्रिएट कर लिया है। आप चाहे तो इसे यहाँ से सेव भी कर सकते हैं गैलरी में, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से इसे व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर कर सकते हैं। आपको इस आइकॉन पर क्लिक करना है, आपके सामने व्हाट्सअप का ऑप्शन आ जाएगा और आप आसानी से अपने किसी भी फ्रेंड के साथ इस बोलने वाले इमोजी को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी कमाल का लगता है। आपका फ्रेंड देखेगा तो वो भी चौंक जाएगा और आपसे एक बार ज़रूर पूछेगा, भाई तूने ये कैसे किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने सभी व्हाट्सअप ग्रुप में से शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।